सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले Samsung Galaxy Z Flip स्मार्टफोन के साथ में, जहां पे आपने देखी इंडिया की सबसे पहली अनबॉक्सिंग आप ही के अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी पे आज ही दिन में। अगर नहीं देखे दोस्तों जाके देख लो, वीडियो बड़ा ही शानदार चल रहा है आप सभी के प्यार की वजह से, और मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा दोस्तों ऐसे ही इंडिया की मतलब सबसे पहला जो कंटेंट है वो आप ही को दोस्तों मिले। तो मतलब इसमें मेरे को भी काफी मजा आया और आपको भी काफी मजा आए देखने में ऐसी कमाल वीडियोस। बहुत जल्दी हम नंबर लगाने वाले हैं गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का, जिसको मैं खुद खैर यूज करने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। यहां पर दोस्तों बात करते हैं जल्दी से पहले पुराने पोल को लेकर। हमें सवाल ये था कि आपके हिसाब से यार इंडिया की जो प्राइसिंग होती है वो ऐसे में कौन से ब्रांड की सबसे अच्छी होती है। तो आप मुझे बोला है 52% ने कि ऐसे में जो Xiaomi है वो भैया कीमत अच्छी लगाता है, और बाकी बोलते हैं यहाँ पे 23% Realme, Samsung के लिए बोलते हैं 17% लोग, फिर है 4% OnePlus वाले, और 1% लोगों ने कहा है कि एप्पल की कीमत इंडिया में सबसे अच्छी होती है। वैसे यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी आज का सवाल आपके लिए ये है कि अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो यार हम सोच रहे हैं कि मोबाइल फोन्स में आ जाएगा अंडर डिस्प्ले कैमरा। तो क्या आप इस टेक्नोलॉजी के लिए वाकई में एक्साइटेड हैं, या आपके हिसाब से कि यार वो छोटा सा पंच होल है या पॉपअप है या कुछ भी है वो लगा दो यार ऐसे में मतलब कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बताना जरूर क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और हमेशा की तरह हर बार की तरह ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए बटन दबा दबा के। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके, निकल के आता है यहाँ पे भैया रोबो डॉग वाले रिक्शा को लेके। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये जो रोबोटिक कुत्ता है इसको एक रिक्शा ड्राइवर में कन्वर्ट कर दिया है, यही दोस्तों एक लगाया है कुछ जुगाड़ सा सिस्टम। मतलब फ्यूचर में क्या पता ऐसा वाकई में हो जाए, भैया बैल गाड़ी की जगह असली बैल नहीं है वहाँ पे रोबोट है, या ऊंट गाड़ी की जगह ऊंट नहीं है वहाँ पे भी रोबोट है, और ऐसे भैया रिक्शे जो है वो खींच रहे हैं रोबोट्स। वैसे हो तो काफ़ी अच्छा हो जहाँ पे जानवरों को कष्ट नहीं हो बोझ खींचने में। देखते हैं आगे भैया फ्यूचर जो है वो किस तरफ आगे निकलता रहता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में, कैसे अल्ट्रासोनिक ब्रेसलेट को लेके, जो अगर आप पहन लें तो उसके बाद भैया आपके आसपास के जितने भी माइक्रोफोन्स हैं उन सभी को यहाँ पे जैम कर देगा। मतलब काफ़ी अच्छा गैजेट, अगर आप भैया ऐसे चाहते हैं सोचते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि कोई माइक लगा के बैठा हो, कोई आपका आवाज़ वगैरह ऑडियो कुछ अगर रिकॉर्ड करता हो, ब्रेसलेट पहन के घूमो। थोड़ा बड़ा है दिखने में लेकिन आसपास के सभी माइक्स को जैम कर देगा। ये एक मतलब रिसर्च टाइप का ही एक्सपेरिमेंट है जो कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसको डेवलप किया है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे वावे की तरफ से, और वावे दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस तो खैर अब रहा नहीं, लेकिन अभी ऐसे में 24 फरवरी को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोस्तों यहाँ पे इनका जो एक नया फोल्डिंग फोन है उसको अनाउंस करने वाला है। तो ऐसे में देखते हैं एग्जैक्टली भाई कि क्या होता है वावे के इसी नए फोल्डिंग फोन में। अगला अपडेट निकलता है यहाँ पे दोस्तों Realme के X50 Pro 5G स्मार्टफोन को लेके, ये भी लॉन्च 24 फरवरी को ही होने वाला है, और यहां पर दोस्तों बात हो रही है इंडिया के पहले 5G स्मार्टफोन के बारे में, मतलब इंडियाज फर्स्ट 5G स्मार्टफोन। काफी कमाल और मतलब काफी क्रेजी गरमा गरम माहौल है भैया टेक्नोलॉजी की दुनिया में। देखते हैं क्या हमको देखने को मिलता है इसी Realme के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन में। अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है यहाँ पे iQOO 3 को लेके, और ये भी भैया इंडिया में लॉन्च होने वाला है 25 फरवरी को। तो इससे पहले यहाँ पर दोस्तों जो इसका प्रोमो पेज है वो फ्लिपकार्ट पे लाइव चला गया है, आपको iQOO से जुड़ी हुई एक वीडियो मिलेगी परसों, बहुत मजेदार सी होगी, देखना जरूर बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में Samsung Galaxy A31 को लेके, और यहाँ पर दोस्तों ये लीक हुआ है जहां पे मालूम चलता है कि इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की हो सकती है। अभी ऐसे में एग्जैक्टली लगता है कि शायद जल्द ही लॉन्च हो सकता है, और साथ में Galaxy A41 भी मुझे देखने को मिलेगा। खैर अब जो भी होगा वीडियोस तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बिल्कुल सबसे पहले लेके आने की ही। यहाँ पे यार अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है इसरो की तरफ से, और भैया इसरो जो है वो भी रिक्रूट कर रहा है, जहां पर दोस्तों टोटल 182 वैकेंसीज हैं जो कि 6 मार्च तक दोस्तों यहाँ पे फिल की जाएंगी। मतलब अगर आपका सपना है कि भाई आप इसरो में जाएं और काम करें, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता है जहाँ पे कुछ टेक्नीशियंस, कुछ टेक्निकल असिस्टेंट्स वगैरह, मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पे दोस्तों जो नौकरियाँ इसरो की तरफ से अवेलेबल है, तो जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। क्या पता
आप अपने आप को आगे इसरो में देखें। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे रियलमी के C3S स्मार्टफोन को लेके, जहां पे यार जो ब्लूटूथ की लिस्टिंग है वहां से मालूम चलता है कि ये होगा एक ट्रिपल कैमरा वाला स्मार्टफोन। साथ में होगा दोस्तों यहाँ पे मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हिलियो X20 प्रोसेसर। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि रियलमी क्या करता है अपने बजट फोन रियलमी C3S में और आखिर इसको कब तक लॉन्च करता है। अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन की इंडियन प्राइसिंग को लेके, जो कि मालूम चलता है कि होने वाली है 15,999 रुपए। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। मतलब अब ये खबर तो खैर निकल के आई है, रिपोर्ट्स बोल रही है कि भैया 16,000 का होगा ये फोन, लेकिन गलत है। आपको मालूम चलेगी बहुत जल्दी इस फोन की कीमत जब ये इंडिया में लॉन्च होता है 25 फरवरी को। अगला उसका अपडेट निकलता है यहां पे Xiaomi के मी आउटडोर स्पीकर को लेके, और यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि आता है IPX5 रेटिंग के साथ में, इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। कीमत है 1,399 रुपीज। काफी छोटा सा, थोड़ा रगेड सा भी दिख रहा है, और मतलब काफी अच्छा डिजाइन है इसी ब्लूटूथ स्पीकर का। देखते हैं आखिर मैं जब इसको ट्राई करता हूँ तो साउंड क्वालिटी कैसी है इसी पोर्टेबल स्पीकर की। यहाँ पे यार अगली खबर निकल के आती है दोस्तों हमारे पास में एयरटेल की तरफ से, जहाँ पे एयरटेल ने 10,000 करोड़ का दोस्तों जो ड्यू है वो भैया सरकार को पे कर दिया है। वोडाफोन जो है भैया आने वाले दिनों में पे करने वाला है। अब 10,000 करोड़ एयरटेल तो खैर पे कर चुका है, आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 5G को लेके क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, और आखिर जो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इंडिया में ये कब तक कैसे क्या प्लानिंग करके बैठते हैं 5G को लेके। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है लास्ट, वो है 2000 आईफोन्स जो फ्री में दोस्तों बांटे गए उनको लेके, जहां पर दोस्तों जो क्रूज शिप एक है जहां पे दोस्तों क्वारंटाइन किया गया है इसको जापान के नजदीक, तो वहां पे भैया जो पैसेंजर्स हैं दोस्तों जो शिप पे है पैसेंजर्स उनको 2000 आईफोन्स दिए गए हैं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, ताकि दोस्तों वहां पे वो उसमें लाइन ऐप के जरिए जो है वो कनेक्ट कर सकें और यहाँ पर दोस्तों वो डॉक्टर्स वगैरह साथ में कंसल्ट कर सकें। अब क्योंकि ऐसे में जो नॉर्मल फोन्स वो यूज़ कर रहे हैं, फिर चाहे उसमें वो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर हो या फिर हो ऐप स्टोर, तो लाइन ऐप शायद वहाँ पर दोस्तों को जैसा सीन है कि आप इंस्टॉल वगैरह नहीं कर सकते हैं, हो सकता है इंस्टॉल कर पाएंगे ना कर पाएं। तो 2000 आईफोन दे दिया सरकार ने पैसेंजर्स को कि भैया आप जो है वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं अभी कोरोना वायरस के चलते। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।